वेतन विसंगति को लेकर लिपिक वर्ग की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार से शुरू। लिपिकों ने कार्य का किया बहिष्कार। लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारियों ने सोमवार से हड़ताल शुरू कर कार्य का बहिष्कार कर दिया है। इनके हड़ताल में जाने की वजह से कामकाज ठप हो गया। कार्यालयों में कुर्सियां खाली खाली नजर आईं। इनका कहना है कि लिपिकों की वेतन विसंगति के संबंध में विचार के लिए समिति अनुशंसा प्रतिवेदन 14 जुलाई 2017 को शासन को सौंपा गया था और समय समय पर इस बारे में शासन का ध्यान भी आकर्षित कराया गया था, लेकिन शासन स्तर पर इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते सभी लिपिक वर्ग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे शासकीय कार्यालयों में कामकाज ठप हो गया है। आपकी स्ट्राइक क्यों है और कब तक चलेगी, क्या मांगे हैं? प्रदेश के समस्त लिपिकी कर्मचारी लिपिक वर्ग संगठन के आह्वान पर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। हमारी वेतन विसंगत लिपिकों की आज 20-25% से चौधरी वेतन आयोग से विसंगति चल रही है। हमारे साथ के जो कर्मचारी थे उनको आगे कर दिया गया है, हमको उसी स्थान पर रहता है। सरकार ने लिपिकों के वेतन विसंगत के लिए एक कमेटी बनाई थी, रमेश चंद कमेटी से। उन्होंने कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दे दिया 6 माह पूर्व कि लिपिकों के वेतन विसंगत 2400 अभी 1900 ग्रेड पे है, हमारी 2400 2800 3200 किया जाए, लेकिन सरकार अपनी कमेटी के बात को नहीं मान रही है। हम लोग पिछले बार अभी 2 दिन का हड़ताल किए थे और सरकार को बताए थे कि हमारी मांगें न पूरी हुई तो आगे चल के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आज 15 दिन पहले हम लोग नोटिस दिए थे अनिश्चितकाल के, 16 तारीख से हम लोग काली पट्टी लगाए थे, 20 तारीख को हम लोग मशाल जुलूस निकाले पूरे प्रदेश में, फिर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब पूरे लिपिक साथियों ने ये निश्चित किया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। पूरे काम ठप कर दिए हैं, पूरे प्रदेश के लिपिक हड़ताल पर हैं, उसी के तहत रीवा जिले के भी समस्त लिपिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, सभी कार्यालय बंद हैं। कब तक चलेगी आपकी हड़ताल? अब जब तक सरकार नहीं मानती, सरकार मान ले तो कल खत्म हो जाएगी, सरकार न मानेगी तो हम मांगे मानेंगे।